अरे ये चाबी शायद उस लड़की की गिर गई है जो अभी वॉक कर रही थी। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, आपकी चाबी चाबी गिर गई है मैम। हेलो मैम, क्या बदतमीजी है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? काफी देर से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्या हो गया है? हो गया आपका? मुझे किसी के पीछे दौड़ने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी चाबी देने आया था, जो चाबी आपकी कहीं गिर गई थी, ये लीजिए। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी चाबी देने के लिए मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने सोचा कोई मेरा पीछा कर रहा है इसलिए मैंने आप पर गुस्सा करा। आई एम रियली रियली सॉरी, आपको पता ही आजकल का जमाना कैसा है। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही हो। बाय बाय। आज नहीं दिख रही वो लड़की, कुछ भी कहो थी अच्छी लड़की, शायद रोज आती है पार्क में, पता नहीं आज क्यों नहीं मिल रही। लगता है आज आएगी नहीं। आई थिंक आप वही हो ना जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे गाड़ी की चाबी दी थी। हाँ मैं वही हूँ। क्या आप रोज पार्क आती हैं? हाँ मैं रोज ही पार्क आती हूँ। शायद कल आप नहीं आए थे। हाँ मुझे कुछ काम था अर्जेंट, इसलिए मैं नहीं आई। ओके, वैसे आप क्या करती हो? आई एम मेकअप आर्टिस्ट। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ फिलहाल। डोंट वरी, आपके साथ सब अच्छा होगा, आप एक अच्छे इंसान हो। मैं एक साधारण इंसान हूँ और एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या ही अच्छा हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ो इन सब बातों को, और ये बताओ आप बहुत रिच लगती हो, एक साधारण इंसान के साथ क्यों ही अपना समय खराब कर रही हो? आई कैन अंडरस्टैंड, बट जरूरी नहीं कि सारी लड़कियां एक जैसी हो। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही हो। ये क्या है? रख लो, शायद आपको अच्छा लगे। बाय बाय। अच्छा याद राम की छोरी यही सब करने के लिए आती है यहाँ पे, अभी इसकी बाप को बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। कहाँ से आ रही है? पापा मॉर्निंग वॉक से आ रही हूँ, क्या हो गया? मॉर्निंग वॉक पे गई थी अपने आशिक के साथ, कहीं घूमने गई थी। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कौन आपको ऐसी बेकार बेकार की बातें बता रहा है? बकवास मत कर अपनी, और फोन कहाँ है तेरा? पापा क्या हो गया? फोन देखना, मुझे समझा रही है। पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, कौन भड़का रहा है आपको? आज से तेरा घूमना फिरना बंद, बाहर जाना बंद, और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चल चल चल, आई बड़ी बॉयफ्रेंड बनाएगी, बताऊं तुझे। नहीं पापा नहीं, ऐसा कुछ
कुछ नहीं है पापा, ऐसा कुछ नहीं है पापा 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 आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। क्या हो गया होगा, कहाँ गई, फोन क्यों नहीं उठा रही, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या हो गया है, कुछ हुआ तो नहीं उसके साथ? हेलो, आप कौन बोल रहे हो? मैं मोनिका बोल रही हूँ। मोनिका, मोनिका तुम कहाँ हो? मोनिका मैं तुम्हें कब से मैं कहाँ चली गई हो तुम? ना तुम्हारा फोन लगता है, ना तुम मिलती हो, ना दिखती हो। मैं रोज पार्क में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, बट पापा को पता नहीं कैसे सब कुछ पता चल गया है और वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसा करना है हमारे प्यार के लिए कि उनको भी पता चले कि जीवन कौन है और वो क्या कर सकता है। हाँ मोनिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ तुमसे मिलने। मोनिका कहाँ है? मोनिका, मोनिका कहाँ है? मोनिका, अच्छा तू ही हो गरीब इंसान इसने हमें घर की लड़की को फंसाने की कोशिश की है। यह अच्छा तरीका निकाला है अमीर होने का। रुक जा, भी बताता हूँ। अच्छा हो तो यहाँ खुदा आ गया, मैं तो तुझे ढूंढ रहा था।
ये तेरी बुरी किस्मत है जो तुझे यहाँ लेके आई है। नहीं पापा, जीवन एक ऐसा इंसान नहीं है, जीवन एक अच्छा इंसान है, एक बार उससे बात तो करके देखो। अच्छा तू बताएगी मुझे? बकवास बंद कर, तू बाहर कैसे आई? चल अंदर जा लड़को, अंदर लेके जाओ उसको। पापा नहीं। और इसको बाहर होगा, कौन है? कौन भैया? कौन हो? मुझे कौन हो आप? चलो कट आउट। याद राम जी है? हाँ जी है, आइए बैठिए। हाँ जी सर बोलिए, क्या काम है आपको मिस से? मैं ही हूँ याद राम। याद राम जी, मैं वही हूँ जिसे एक साल पहले तुमने अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। याद आया कुछ? अच्छा। जीवन, जीवन। हटो यहाँ से, क्या हो रहा है ये सब? बस पापा आपका बहुत हुआ, मुझे जीवन के साथ ही रहना है। बेटा मोनिका, बेटा जीवन, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के प्यार को समझ नहीं पाया। मैंने सोचा 4 दिन की आस की है, उतर जाएगी, बट जीवन तुमने अपने प्यार के लिए अपने आप को बदल दिया। मेरी बेटी के लिए दुनिया में तुमसे अच्छा लड़का कोई मिल नहीं सकता। मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। थैंक यू पिताजी। थैंक यू पापा। सदा खुश रहो आप।